चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पे आते हैं। इस प्रॉपर्टी को हम समझेंगे अभी। सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ कंपोजिट नंबर कैपिटल एन, ए पावर पी, बी पावर क्यू, सी पावर आर एंड सो ऑन। याद हो आपने पहली जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी उसमें हमने फैक्टर बनाने सीखे थे। जैसे यदि मान लो एक नंबर है 30 के हमने फैक्टर बनाए थे 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30। अगर इन फैक्टर का समेशन पूछा जाए तो क्या करोगे? ऑब्वियसली आप पहले फैक्टर निकालोगे फिर सम करोगे, ऐसा तो नहीं होगा। तो हम प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। पर कोई भी प्रॉपर्टी पे कमांड जब भी आएगा जब आपको उसके लॉजिक पता हो। अगर मैं इनका सम करूं तो देखिए कितना होता है, 30 + 15 = 45 + 10 = 55 + 6 = 61 66 69 71 72, यानी ये 72। अब यही सम मुझे प्रॉपर्टी से भी मिलना चाहिए। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो आपको एग्जांपल दूं मैं 225, दिस इज 15 स्क्वायर, 3 × 3 × 5 × 5, यस और नो? यानी ऐसा भी बोल सकते हैं 3 का स्क्वायर × 5 का स्क्वायर। इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने बनेंगे? सबसे पहले बात की जाए 3 × 3 9 फैक्टर बनेंगे। क्या क्या 9 फैक्टर होंगे देखो यहां से देख के पता चलता है, 1, 3, 5, 9, 15, यस और नो? 1, 3, 9, 1, 3, 5, 9, 15। 15 के बाद क्या आएगा? 45, 25 भी आ जाएगा। इनसे भी पता चल जाता है, इनका आपस में मल्टीप्लाई करते चलो, 25, फिर 15, 3 जा 45, फिर 25 × 3 75, यस और नो? फिर 75 के अलावा और क्या हो सकता है वो देख लो आप। अब ये गिनो कितने हो गए, आप अपने को पता है 9 बनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो इसका मतलब 9 क्या होगा, 75, 3 जा 225, ये नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स बन गए। देख लीजिए अच्छे से, काउंट कर लीजिए, 3 × 3 = 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब मैं अगर ऐड करूं तो 225 + 70, ये हो गया 300, यस और नो? ये हो गया 370, ऐसे ऐड किया करो, 370 + 20 = 390, 390 + 10 = 400 + 1 = 3, 403, एक तरह से इसका समेशन 403 आ गया। अब हम इसको निकाल के अलग रख लेते हैं, इसका समेशन हमने 72 निकाल के रखा। अब इस प्रॉपर्टी के साथ हम दोनों को एक साथ चेक करेंगे। चलिए तो सबसे पहले प्रॉपर्टी क्या वो समझे, सम का फॉर्मूला क्या होता है। ध्यान रखना इसका बेस प्राइम होना चाहिए, ए पावर पी प्लस वन माइनस वन अपॉन ए माइनस वन, बी पावर क्यू प्लस वन माइनस वन अपॉन बी माइनस वन, सी पावर आर प्लस वन माइनस वन अपॉन सी माइनस वन। क्या करना है, ए पावर पी प्लस वन माइनस वन अपॉन ए माइनस वन, बी पावर क्यू प्लस वन माइनस वन अपॉन बी माइनस वन, सी पावर आर प्लस वन माइनस वन अपॉन सी माइनस वन। अब जैसे आपको अगर मान लो सपोज 30 दिया, अपन एग्जाम्पल से करते हैं, 30 दिया एक नंबर, 30 को हमने लिखा 2 पावर 1, 3 पावर 1, 5 पावर 1। अब अगर मैं सम का फॉर्मूला लगाऊं तो क्या होगा, 2 की पावर 1 + 1 - 1 / 2 - 1। पहले लिख लो स्टेप, बाद में उसको, क्योंकि अभी आप बेसिक जब तक क्वेश्चन करना नहीं आएंगे जब तक आप डायरेक्ट मत करो, बाकी तो 2 स्क्वायर आप डायरेक्टली 4 - 1 भी लिख दोगे आगे जाके चलेगा। अब 3 की पावर 1 + 1 - 1 / 3 - 1, 5 पावर 1 + 1 - 1 / 5 - 1। अब क्या हुआ, ये हुआ 2 का स्क्वायर, 4 - 1 कितना हो गया, 4 - 1 यहां लिखते हैं 3/1, 3 का स्क्वायर 9, 9 - 1 = 8/2, 25 - 1 = 24/4, यस और नो? अगर मैं ध्यान दूं तो 4 × 2 = 8, 8 कंप्लीटली कैंसिल, 24 × 3 = 72। देखिए आप आंसर ऑलरेडी 72 निकाल चुके हैं। जब कोई प्रॉपर्टी पढ़ो, बाद में पढ़ो प्रॉपर्टी, पहले समझो कि हम क्या पढ़ रहे हैं, कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, मीनिंग क्या है उसका। कई बार यही कंफ्यूजन होता है इसीलिए समझ में नहीं आता। मीनिंग ये था कि जो भी प्राइम फैक्टर, जो भी फैक्टर बन रहा है कंपोजिट नंबर से, उन फैक्टर का अगर क्या हम सम कर सकते हैं, तो मैं बोलूंगा यस कर सकते हैं। पहले उनको प्राइम बेस में कन्वर्ट करें, ये फॉर्मूला यूज करें, ए पावर पी प्लस वन माइनस वन अपॉन ए माइनस वन,
बी पावर क्यू प्लस वन माइनस वन अपॉन बी माइनस वन, सी पावर आर प्लस वन माइनस वन अपॉन सी माइनस वन, और फिर उसके बाद आप पावर को टू पावर ये लिखा तो आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अभी हमने एक क्वेश्चन और किया हुआ है, पहले ये भी करेंगे फिर हम नए क्वेश्चन करेंगे, तो बी केयरफुल, आप प्रॉपर्टीज को अच्छे से समझो उसके बाद ही आप एग्जाम्पल करना चालू करो। 225, 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर, अगर इसके नंबर ऑफ हम फैक्टर्स देखें तो कितने होंगे बेटा, 2 प्लस 1, 2 प्लस 1, 9। याद रखना वैसे जब भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर दिया होगा तो नंबर ऑफ फैक्टर ऑड होंगे, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर के हमेशा इवन होंगे। प्रॉपर्टी नंबर वन में मैंने नहीं बताया था पर वो क्योंकि ध्यान नहीं रहा, पर जैसे ये याद रखना आप कि जब भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा नंबर ऑफ फैक्टर ऑड और नॉन परफेक्ट स्क्वायर के इवन होते हैं, इसलिए कई बार उसके पेयर बनाने को जब बोला जाता है तो आपको चेक करना पड़ता है कि नंबर ऑफ फैक्टर इवन है या ऑड है। तो परफेक्ट स्क्वायर होगा तो इवन होंगे, इवन होंगे तो सीधा सीधा आधे हो जाएंगे, जब परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा तो नंबर ऑफ पेयर बनाने की बात की जाएगी तो ऑड में आपको एक नंबर ऐसा भी मिलेगा जैसे हमें पता है 25 है तो 15 × 15 वो एक कॉमन पेयर हो जाता है, उसमें एक ही नंबर होता है, इसलिए 4 अपन ऐसा बोलेंगे कि 4 पेयर बनेंगे लाइक दिस। चलिए खैर अभी हम बात करते हैं सम की, अभी हमारा फोकस सम पर है, तो जब हम सम पे बात करें तो यहां पे लिखेंगे 3 की पावर 2 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1, बोलिए 5 की पावर 2 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 5 माइनस 1, यस और नो? अब ये हुआ 3 का क्यूब 21 माइनस 1 26 बाय 2, ये हुआ 5 का क्यूब 125 माइनस 1 124 बाय 4। अब जो टर्म कैंसिल हो रहे हैं वो कर दीजिए, जैसे ये हमको समझ में आ रहा है कि कंप्लीटली ये 2 टाइम्स तो 13 हो गया, ये 4 से किया तो 31, तो 13 × 31, यस और नो? तो 31 × 10 = 310, 31 × 3 = 93, तो 93 + 310 जब ऐड करोगे तो 403। आपको मैंने शॉर्टकट तरीका बताया, 31 को आप लिखें 30 + 1 × 13, 33 = 390 + 13, दिस इज 403, आप मेंटली कर सकते थे। अब देखिए ये 403 है, यहाँ पर फैक्टर का सम आप ऑलरेडी निकाल चुके थे 403, ये इस प्रॉपर्टी का मतलब हुआ, यानी जो फैक्टर्स बनते हैं किसी भी कंपोजिट नंबर के, वो जितने फैक्टर बने उन सब का यदि सम निकालने को बोला जाए तो ये उसका एक हमारे पास सिंपल सा फॉर्मूला है जो हम यूज कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और करते हैं, n इक्वल टू 2 की पावर 3, 3 का स्क्वायर 5 की पावर 1, राइट? सम निकालना है 2 की पावर 3 प्लस 1, अब डायरेक्ट करेंगे हम 2 की पावर 3 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1, 3 की पावर 2 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1, 5 की पावर 1 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 5 माइनस 1। हो सके तो आप ये स्टेप लिखिए डायरेक्ट, ये समझाने के लिए लिखिए, 2 की पावर 4 16 माइनस 1 15 बाय 1, 3 का क्यूब 27 माइनस 1 26 बाय 2, 5 की पावर 2 25 माइनस 1 24 बाय 4। अब अगर आप ध्यान दें तो 4 × 2 = 8 है, ये डायरेक्टली 3 टाइम कैंसिल हो जाएगा, यानी 26 × 15 × 3, बस आपको ये करना है, यानी 26 × 45, ये आपका ऑब्जेक्ट था यहाँ पर। आप चाहो तो किसी को भी ब्रेक कर लो, जैसे इसको लिखो 20 + 6 × 45। आप कैसे करेंगे, देखिए ये यूनिट डिजिट है, ये 10 डिजिट वाला है, अब 45 6 जा अगर मुझे करना है तो क्या करूँगा मैं, बिल्कुल सिंपल, 46 जा 46 जा कितना होता है 24, तो 240 प्लस 56 जा 30, यानी कितना हुआ 240 प्लस 30 इज 270, ये इसका तरीका हुआ। तो आपने देखो क्या किया, मैंने ध्यान देना 45 × 6 करना है तो 40 + 5 लिखा इंटू 6 × 5 = 30, ये 240 हुआ, तो ये हो गया 270, तो ये 270 प्लस 45 × 2 = 90, एक जीरो पहले से तो 900। अब इसको ऐड करना आपके लिए कोई मुश्किल काम नहीं, तो 1170, ये इसका शॉर्टकट तरीका हुआ। तो ये प्रॉपर्टी क्लियर है आपको कि जब भी कभी आपको सम ऑफ फैक्टर निकालने को बोला जाए तो आप एक डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं।